जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी ने फाइनली ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि हर एक कोर्स के सत्र 2020-22 के टॉपर कौन है, यानी कि लास्ट ईयर के कौन से बच्चों ने इस बार यूनिवर्सिटी टॉप किया है। इसकी आधिकारिक सूचना यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया है। लेकिन अगर हम बात करें बीएड टॉपर की, तो इसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई है। बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी त्रुटि हुई है इसमें बीएड के टॉपर के मार्क्स को लेके। तो जानेंगे इस वीडियो में कौन है बीएड के ऑफिशियल टॉपर जिनका मार्क्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कंबाइंड करके सबसे ज़्यादा रहा और उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट माना जाता है सत्र 2020-22 के। तो वो कौन है और क्या छोटी सी समस्या उनके मार्क्स अपडेट में आ गई है, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो को, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया है कि ये वो सारे बच्चे हैं जो कि पिछले सत्र के टॉपर रहे हैं। अगर इस लिस्ट में चेक करें तो बीए, बीएससी, बीकॉम हर एक कोर्स के टॉपर बच्चों का यानी गोल्ड मेडलिस्ट का नाम दिया गया है। उनके पिता का नाम, उनके रोल नंबर और उनके कॉलेज के साथ उन्होंने कितने मार्क्स गेन किए हैं, इसकी भी सूचना यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें बीएड के टॉपर की, तो यूनिवर्सिटी के अनुसार बीएड के सत्र 2022 के टॉपर हैं अरुण कुमार चतुर्वेदी जी, जिनके मार्क्स 718-800 में 390-400 सेकेंड ईयर में। यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। ये अरुण कुमार जी माँ गायत्री रामसुख पांडे पीजी कॉलेज गोंडा के स्टूडेंट हैं। इनके मार्क्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है बच्चों। प्रॉब्लम क्या है कि इनके मार्क्स जो यहाँ पे अपडेट दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 800 में 718 जबकि सेकेंड ईयर में 400 में 390 दिखाई दे रहा है। समस्या ये है कि फर्स्ट ईयर में टोटल मार्क्स ही 700 के होते हैं, यानी कि टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं और 200 का प्रैक्टिकल होता है। तो जब टोटल मार्क्स ही 700 के होते हैं, तो आखिर अरुण जी को 718 कैसे मिल गए। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, तो सेकेंड ईयर में टोटल मार्क्स 500 के होते हैं। तो यहाँ पे ये गलत अपडेट क्यों दिखाई दे रहा है। तो हमें इस पीडीएफ से, विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई सूचना से हमें अरुण कुमार जी का रोल नंबर मिला। तो हमने यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेबसाइट पे जब इनका रिजल्ट चेक किया, तो रिजल्ट भी काफ़ी सराहनीय था, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहा। और रिजल्ट पे अगर आप नज़र डालेंगे, तो अरुण कुमार जी को सेकेंड ईयर में 500 में 461 नंबर मिले हैं और फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, फर्स्ट ईयर में इनके 647 नंबर मिले हैं 700 में। तो जी हाँ दोस्तों, अरुण कुमार चतुर्वेदी जी का बहुत ही बेहतरीन नंबर है और आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के कंबाइंड मार्क्स को अगर मिला दिया जाए, तो सत्र 2020-22 यानी कि पिछले वर्ष के आधिकारिक जो टॉपर हैं वो हैं अरुण कुमार चतुर्वेदी जी। हालांकि मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैं उन्हें कभी देखा भी नहीं, मगर फिर भी तमाम विश्वविद्यालय के बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद विश्वविद्यालय के टॉपर बनने के लिए। काफ़ी सराहनीय रिजल्ट रहा इनका, सेकेंड ईयर में 461 नंबर 500 में, बहुत अच्छा मार्क्स 461 नंबर। और वहीं फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें 647-700 में, ये भी बहुत ही बेहतरीन मार्क्स रहा है। तो बच्चों ये रहे अरुण कुमार चतुर्वेदी जी, जिन्होंने इस दोनों साल मिला के बेहतरीन अंक हासिल किए हैं। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आशा करते हैं कि अगली बार के टॉपर हमारे किसी ग्रुप से होंगे, आप बच्चों में से होंगे। वैसे इस बार फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे बच्चों ने स्कोर किया है, सेकेंड ईयर में भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से इस बार फर्स्ट ईयर में बच्चों ने स्कोर किया, अगर सेकेंड ईयर में भी कर देंगे, तो डेफिनेटली इस बार के वो टॉपर हो जाएंगे। सो एक बहुत ही अच्छी सूचना थी, बहुत अच्छा लगता है जब हमें देखते हैं कि बच्चे इस हिसाब से परफॉर्मेंस करते हैं, इतने अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, भी खासतौर पर तब जब बीएड में आपके थियरी सब्जेक्ट्स सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं और उसमें भी बच्चे इतने अच्छे स्कोर करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। आइए एक नज़र डालते हैं अरुण कुमार चतुर्वेदी जी के मार्कशीट पे कि इनके इतने अच्छे मार्क्स आए तो किस सब्जेक्ट में इनको कितने मार्क्स मिले हैं। सेकेंड ईयर का मार्कशीट अवेलेबल है अभी, फर्स्ट ईयर का नहीं निकल पाया, तो हम सेकेंड ईयर के मार्क्स के बारे में बात करेंगे कि 500 में 461 नंबर आया है तो हर एक सब्जेक्ट में इनके कितने मार्क्स हैं। तो अरुण जी की रिजल्ट पे की नज़र डालें, तो इनके मार्क्स बी एड सेकेंड ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट्स में 69 नंबर, जबकि सेकेंड सब्जेक्ट में 68 नंबर और थर्ड सब्जेक्ट्स में 69 नंबर आउट ऑफ 80, 80 में फर्स्ट सब्जेक्ट्स में 69 69 नंबर, 68 68 नंबर और थर्ड में 69 69 नंबर, 80 में इनको मिला है। कुछ इस प्रकार से इनको नंबर मिले हैं। वहीं अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, तो प्रैक्टिकल के 20 में 20 तीनों में इनको 20 और 20 मिला है। इस प्रकार से इनका फाइनल 100 में जो नंबर बना, पहले सब्जेक्ट में 89, दूसरे सब्जेक्ट में 88 और तीसरे सब्जेक्ट में भी 89, तो इस प्रकार से इनका
और अगर प्रैक्टिकल के और नंबर्स जोड़ दें सेम वाइवा की, तो इनके टोटल जो नंबर बनते हैं 461 नंबर। तो इस प्रकार से इनका ये ओवरऑल टॉपर का परसेंटेज रहा, ये ओवरऑल इनके मार्क्स रहे। सो एक बहुत अच्छी सूचना थी, मैंने मेरी कोशिश थी कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा ये जानकारी इस मार्ग। अगर हाँ, अगर आप में से कोई भी इनको जानता हो उन तक ये वीडियो शेयर कर दें, और अगर हो सकेगा तो मेरी उनसे ख्वाहिश होगी कि एक बार उनसे बात की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए कि जो इस बार बीएड सेकेंडरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब वीडियो बने तो यहां पे आपका नाम हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर कोशिश कर सकते हैं तो प्लीज़ अरुण जी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों।